के लिए लड़ाई हुई तो पहले मैं आऊंगा, क्या एक्यूट तो हमें भी लगती है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। So what's up guys? Welcome back to our channel बेफिक्रे, और बेफिक्रे में आप सबका स्वागत है। मैं तुषार आप सबके लिए लेके आया एक नया रिएक्शन वीडियो। जी हाँ, आज हम करने वाले हैं रिएक्ट। आज हम करने वाले हैं रिएक्ट मनीषा रानी और थगेश का कोलैबोरेशन वीडियो पे। तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे कोलैबोरेट वीडियो बनाया था, तो क्या सीन है उनका जानते हैं एक वीडियो के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जिसने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहाँ जाके देख सकता है और यहाँ आके हमारा रिएक्शन एंजॉय कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मनीषा रानी एंड थगेश का कोलैब। ट्विटर पे थगेश नंबर 1 ट्रेंडिंग, इंस्टाग्राम पे रील पे 16 मिलियन से ज्यादा व्यूज, हर बॉलीवुड न्यूज चैनल पे पोस्ट। ये बात तो सही है, थगेश ट्रेंडिंग पे आया था और मनीषा रानी थगेश का कोलैबोरेशन अनएक्सपेक्टेड था। तो इसी अनएक्सपेक्टेड के लिए आप हमें लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और व्यूज तो देते हो, सब्सक्राइब करके जाओ, एक बटन लाल बटन दबा दो प्लीज। और थगेश ने कोलैब किया है, उनका एक रील भी सामने आ रहा है जो कि इस वक्त काफी वायरल हो रहा है। क्योंकि हार के जीतने वाले कोई बाजीगर कहते हैं। पूरा वीडियो देखते रहो, लेकिन मैं इस कोलैब से खुश नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। और प्लीज मेरी क्लिप वायरल करना बंद करो। मनीषा के लिए लड़ाई हुई तो पहले मैं आऊंगा, क्या क्यूट तो हमें भी लगती है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया भाई, पिघल गया। अच्छा मैंने बोला और क्रेडिट और कोलैब ले गया वो थगेश। ये तो अनएक्सपेक्टेड था भाई। क्यूट लगती है मैंने बोला था, खबरेश मैं खबरेश वो थगेश, अलग है दोनों। मैं बलराम उसका बड़ा भैया। रामायण 9 लाख वर्ष पहले में वो राम। ये मेरी क्लिप थी। Getting angry now. तारीफ हम करे, कोलैब कोई और कर ले जाए। अपनी वीडियो पे व्यू ले रहा नहीं। देखो। लेकिन थगेश भाई वो रील आपकी बाकी रील कुछ अलग नहीं था, उसमें कुछ अलग नहीं था। अलग यही था उसमें 15 मिलियन व्यूज आए थे। हाँ, लेकिन जिस साउंड इफेक्ट को रोस्ट करते थे उसी साउंड इफेक्ट पे वीडियो बना दी। मैं अभी नया हूँ इस दुनिया में, एटलीस्ट हंसाने के लिए फेक साउंड इफेक्ट तो नहीं डालता। थगेशो अपने ही रोस्ट किया भाई। थगेशो को बीच में मत ला, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। बट मैं बता दूं वो तारीफ मैंने की थी। हम दोनों सेम दिखते हैं, लेकिन हम अलग है। ओके, हम दोनों को एक मत करो, वो क्रिंज है और मैं नहीं। बट यार थगेश एंड मनीषा के रील कोलैब ने लॉन्ग फॉर्म वीडियोस की भी हाइप क्रॉस कर दी। इतनी हाइप तो किसी लॉन्ग फॉर्म के कोलैब में भी नहीं आती। एक यूट्यूबर का कोलैब किसी बिग बॉस कंटेस्टेंट के साथ पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है, तभी भी बहुत बड़ी हाइप बनी थी। लास्ट टाइम जब ये हुआ था एक बंदा पिटा था। मुझे क्यों तोड़ा? यस, फिर उसने म्यूजिक वीडियो में भी पिटने वाला शॉट दे दिया, सिनेमैटिक। बट थगेश भाई पहली बार ट्रेंड किए बिना कैंसिल हुए। एक ध्रुव राठी है जिसको ट्रेंडिंग पेज पे आने के लिए सीधा सरकार से पंगा लेना पड़ा, और एक थगेश है जिसको ट्रेंडिंग पेज पे आने के लिए बस रील में बॉयफ्रेंड बनना पड़ा। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। जैसे इंस्टाग्राम खोलो थगेश भाई मनीषा के रील्स आ रहे, रील एडिट्स आ रहे। ये थगेश साला फुकरा भाई प्लेग्राउंड में क्या बिजी हुए, ये प्लेग्राउंड में उतर गया। देखो इसको। बहुत सारे लोग ये कोलैब को हेट भी दे रहे, बोल के कि ये क्या कोलैब है, ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड इसका स्टैंडर्ड कम, उसका स्टैंडर्ड कम। स्टैंडर्ड दिखाने के लिए सिर्फ वो रील के व्यूज ही काफी है। 16 मिलियन एक कोलैब होता है। आई डोंट थिंक इस कोलैब में किसी को भी हेट देना चाहिए, मनीषा को या थगेश को। हालांकि मैं थगेश नहीं हूँ, मैं खबरेश हूँ, लेकिन फिर मैं बोलता हूँ कि थगेश को भी हेट नहीं देना चाहिए इसमें। या सो टॉकिंग अबाउट अनएक्सपेक्टेड कोलैब्स, मोदी जी ने कोलैब किया इंडिया के बिगेस्ट गेमर्स। भाई अनएक्सपेक्टेड था भाई। तो बेसिकली मोदी जी और उनका एकदम सेशन हुआ, ग्रुप में पॉडकास्ट हुआ, एंड मिथपैट ने मोदी जी को नूब शब्द का मतलब बनाया, लेकिन मोदी जी को उसका मतलब ऑलरेडी मालूम था। यस। अच्छा एक और है, नूब। नूब का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ बहुत मेहनत करने के बाद। देखिए मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा अरे नहीं आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल दूंगा तो लोग उसके लिए बोला है कि देश की पॉलिटिक्स के असली एमवीपी तो मोदी जी है। इतना ही नहीं, इन्होंने मोदी जी से फॉल गाइस भी खिलवाया। ये सर आपका कैरेक्टर है और ये जंप बटन है सर आप तो इस बहुत मजा है। भगवान करे मुझे इसकी आदत ना लगे। Unfortunately, वो गेम में मोदी जी को मजा नहीं आया। मोदी जी ने बोला दिमाग का पावभाजी हो रहा है। पूरा दिमाग खा पाऊंगा जरा। क्या है मोदी जी भी सोचते होंगे इसमें तो अब की बार 400 पार नहीं हो सकता तो ये गेम में मजा नहीं। वीडियो के एंड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई सीटी होगा कि भाइयों और बहनों आपके मोदी सर। ये देखो गेमर लोग आदत मत लगाओ मोदी जी को ये सब गेम खेलने का। भगवान करे मुझे इसकी आदत ना लगे। कल को मालूम पड़ा राहुल जी रिक्वेस्ट भेज रहे मोदी जी को लॉबी में पबजी के। राहुल गांधी और कांग्रेस वाले होते तो कौन सा गेम खेलते, लास्ट ऑफ अस। मोदी जी ने जिस हिसाब से नूब का वर्णन किया ना, मोदी जी का बस चले तो राहुल गांधी का गेमर टैग रख दे नूबीता। एनीवे, अगली न्यूज आ रही है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, जिसने कुछ ऐसा रील डाला। भाई मेरे को पता है क्या समझ में आया, मैं ना जैसे भाई ये भी वायरल हो रही है। श्रीदेवी अपने पति को बेचाती है ना उस मूवी में, कौन सी थी वो, कौन सी मूवी थी जिसमें अबे जे से नाम था यार, जुदाई। जैसे जुदाई में श्रीदेवी अपने पति अनिल कपूर को बेचाती है ना, भाई मैं भी बेचाऊंगी अपने पति को। मान लो पैसे के लिए। वो तो बहन तो ऐसे ही प्राइसलेस है, बोली लग जाएगी उस पर तो। उस पर तो बोली लग ही जाएगी भाई। ऑक्शन करेंगे, फैमिली भी अच्छी हो जाएगी साथ में, आधे-आधे पैसे कर लेंगे। आधे ठीक है भाई, बढ़िया। बस वायरल हो गया मेरी जिंदगी का पति बेचाऊंगी मैं। अब ये रील को बहुत ज्यादा हेट मिल रहा है सोशल मीडिया पे। जनरली ये रील पे कमेंट है अगर रोल्स को रिवर्स कर दो, अगर हम बोले कि हमारी वाइफ को बेच दे हम तो कैसा होएगा। तो इस पे लड़की ने डिफेंड करते हुए अपने आप को ये बोला कि ऑलरेडी मत तो लड़कियों के कमेंट में इतना कुछ बोलते हैं तो रोल रिवर्सल का बात करो ही मत। देखो एक बात तो है, कितना भी चौड़ हो सोशल मीडिया के हेट मिलने के बाद तो विक्टिम कार्ड निकल ही जाता है ना। ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं और जब भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है रोल्स रिवर्स्ड वाली इस कार्ड को निकाल देते हैं और फिर इस कार्ड को स्वाइप करके एनकैश कराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मैं विक्टिम हूं, मुझे सताया जाता है। गुस्से में बंदी ने एक और रील डाल के बोल दिया कि अगर श्रीदेवी खुद आए मेरे को बोलने। मैंने सोचा है मैं ना अपॉलोजाइज करूंगी अपनी पति को बेचने वाली रील के लिए। ओनली ऑन वन कंडीशन भाई, अगर श्रीदेवी साक्षात खुद आके मेरे को बोले तो। श्रीदेवी की एक और मूवी आई थी इंग्लिश विंग्लिश, जिसमें पढ़ाई लिखाई का महत्व बताया गया था, वो भी देख लेना। बट मत करो डिलीट, यू गो यू स्ले क्वीन यू स्ले। मैं तो राखी सावंत को भी यही देता हूँ, डिलीट मत करो रील्स, क्योंकि राखी सावंत भी सेम कंटेंट बना लेती है बिना गाली दिए। यू बोथ गो क्वींस, यू बोथ स्ले क्वींस। दीदी का फिर कंटेंट वगैरह अगर आप देखो तो पूरा वही है, इंस्टाग्राम कमेंट बॉक्स वाला है। मतलब वो होता है ना कंटेंट जिसमें क्वेश्चन पूछते हैं फिर उसका रिप्लाई देते हैं। दीदी ने सोचा कुछ नया ट्राई करे और ये हो गया। बट मैं सपोर्ट करता हूँ ऐसे क्रिएटर्स को, मैं ऐसे क्रिएटर्स को शिद्दत से सपोर्ट करता हूँ। इनकी वजह से अंजलि अरोरा के लिए भी रिस्पेक्ट बढ़ गई। अंजलियंस तो है। एक तो मेरे को समझ नहीं रही है टाइप की रील बनाने वाली सारी लड़कियाँ सेम क्यों दिखती है। फिर लड़की ने ये वाला रील डाला, वही है। चलो एटलीस्ट ऑनेस्ट तो है, इसको पता ही है सोसाइटी के लिए डिसअपॉइंटमेंट है। इससे हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, चुम्मेश्वरी साउथ। चुम्मेश्वरी साउथ में एक बहुत ही फादरलेस एक्टिविटी हुआ है। तो चेन्नई के एक सीएसके फैन ने 64,000 का टिकट खरीदा मैच देखने और खासकर धोनी को देखने, थला को देखने। अब के बरस है ये सावन जान। भाई देखो ये न्यूज आया था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अपने डॉटर्स का एजुकेशन को पहले प्रायोरिटी दो। लेकिन न्यूज़ ये कि ये बंदे ने अपनी बेटी की कितने महीनों से स्कूल की फीस नहीं भरी। गलत है भाई। पता है तू सीएसके फैन है, जैसे सीएसके 2 साल के लिए ड्रॉप हुई थी, आपकी बेटी भी ड्रॉप हो जाएगी स्कूल से 2 साल के लिए। भाई यही चाहते हो क्या? बेचारी स्कूल से सस्पेंशन की धमकी मिलने पे बेटी भी सोचती होगी क्या ये हुआ है इस सावन बेचैनी क्यों बढ़ने लगी, बोले जो कोयल बाहों में। ये अनएक्सपेक्टेड कोलैप्स। धोनी का रिटायरमेंट मांग रही होगी इसलिए बाप ने फीस ही नहीं भरा स्कूल का। क्या फैमिली है। लेकिन इससे भी गजब फैमिली हमारे अगले सेगमेंट में यूपी इज ओपी। यूपी में क्या हुआ? तो हमें तो पता है जनरली यूपी में चोरी के केस होते हैं, बिहार हाइस्ट सीरीज हमारी चलती है, तो यूपी में इस बार कुछ इनोवेटिव हुआ है। दो भाइयों ने मिलकर वैगनआर गाड़ी को हेलीकॉप्टर बना दिया। yes. हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर अरे वैगनआर का क्या है, ऐसे भी ओला वाले वैगनआर को हेलीकॉप्टर समझ के ही चलाते। एक वो राइट ब्रदर्स थे जिन्होंने प्लेन बनाया, ये साले रॉन्ग ब्रदर्स। बट कुछ भी बोलो इनोवेशन तो है। बट न्यूज ये है कि ये कार को पुलिस ने सीज कर लिया क्योंकि इन्होंने इल्लीगली मॉडिफाई कराया था। मतलब मॉडिफाई कराया हुआ है। अच्छा मॉडिफाई कराया हुआ, पुलिस आ रही है, सीज कर लिया पुलिस ने। भाई सीज तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये उड़ने वाला था, उड़ने थोड़ी वाला था। ये क्या हैरी पॉटर का गाड़ी है क्या? भाई ने अपने डिफेंस में ये बोला कि उन्होंने ये कार इसलिए बनाई ताकि शादी में बारात वारात में अगर ये जाए तो बढ़िया लगे, कुछ अलग लगे। डोरेमोन। मैंने सुना स्पाइस जेट वाले अपनी ब्रांडिंग लगाने वाले ये गाड़ी पे, क्या है वो भी उड़ने वाले वैगनआर से कम नहीं है। ना लेग स्पेस ना हेड स्पेस। yes. भाई वीडियो आपने देखा ही बहुत मजेदार बनाया है। सर्च न्यूज थगेश ने लाया कि क्या कॉमेडी, और मनीषा रानी और थगेश का कोलैबोरेशन आपने देख ही लिया। तो उसके लिए आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।